तो हम लोग वो जो रोड के बच्चे हैं तो उन लोग को हम लोग फ्री में शिक्षा प्रदान करेंगे। और रेगुलर स्कूल का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, आपने भी देखा रहेगा यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो रेगुलर स्कूल है उनका फीस तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उससे बहुत कम, क्योंकि हम लोग का तो एनजीओ और ट्रस्ट है, उनके साथ हम लोग का टाई अप है, तो हम लोग कम से कम फी सर आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी, इस समय है मीरा रोड काशी मीरा में विराज रॉयल इंग्लिश हाई स्कूल। जी आपने सही सुना, ये काशी मीरा में ये एक स्कूल नया खुला है। ये जो स्कूल खोलने का एक ही उद्देश्य है, जो फैमिली गरीब है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है, उन बच्चों के लिए ये स्कूल खुला है। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो एनजीओ इनके साथ जो ट्रस्ट जो जुड़े हैं, उनका एक ही उद्देश्य है इन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि आजकल के स्कूलों में देखें तो कंपटीशन हो गया है और बहुत ज़्यादा फीस होने की वजह से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं या तो फिर म्यूनसिपालिटी स्कूल में भेज रहे हैं, जिसे देखते हुए यहाँ के ट्रस्टी एनजीओ के लोगों ने आपस में मिलकर विराज रॉयल इंग्लिश हाई स्कूल चालू किया है और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजिए, यहाँ पे कम से कम फीस ली जाएगी। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो रोड पे जो लोग रहते हैं अगर देखेंगे तो उनके बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए इन्होंने फ्री में एजुकेशन देने का एक दृढ़ निश्चय किया है कि उन सभी लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अपने बच्चों को आप यहाँ पे भेजिए, हम उनसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। चलिए बात करते हैं विराज रॉयल इंग्लिश स्कूल के प्रोफेसर। नमस्ते, मैं विराज रॉयल स्कूल का को फाउंडर हूँ एंड सीईओ हूँ। हमारे स्कूल में यहाँ पे काशीमीरा में हमारा स्कूल है, काशी गाँव में, ये जय भीम नगर में है, जहाँ पे एक गरीब बस्ती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे स्कूल में यहाँ पे अभी फिलहाल तो जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग पैसे वाले लोगों को ऐसा नहीं है, गरीब जनता जो अभी समझो देखो आपको पता है मांडवी पाड़ा है, नाचकुल पाड़ा है, तो ये जो सब पाड़े हैं ना ये सब मतलब यहाँ पे बस्ती जो रहती है वो लोकल बस्ती रहती है और ये शिक्षा ले नहीं पाते कहाँ पे भी जाते हैं क्योंकि फीस का मसला आता है। तो हम लोग ने सोचा कि यार काशीमीरा में हम लोग कुछ ना कुछ तो करके एक गरीबों को भी सहारा मिले, इस हिसाब से हम लोग ने एक नॉर्मल स्कूल चालू किया है जिसका नाम है विराज रॉयल स्कूल। ये स्कूल है ना रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहित है जो हम लोग ने 4 साल पहले ही बनाई है। हम लोग का मेन इसका मसला है कि क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो बस्ती है ये गरीबों की बस्ती है और इसमें हम लोग को बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, यहाँ के बच्चे लोग काम पे जाते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी रहेगा नॉर्मल तो उसको काम पे भेजा जाता है। तो वैसा नहीं करने के लिए हम लोग यहाँ पे एजुकेशन प्रदान करने के लिए हमारा स्कूल खोला है। बेसिकली मैंने आपको वही बोला कि सीन क्या है कि अगर हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं तो यहाँ पे जो रोड पे बच्चे रहते हैं तो क्या होती है उनके मम्मी पापा का एक छोटा सा कुछ तो काम रहता है तो उनको वो शिक्षा ले नहीं पाते। तो हम लोग वो जो रोड के बच्चे हैं तो उन लोग को हम लोग फ्री में शिक्षा प्रदान करेंगे। और रेगुलर स्कूल का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, आपने भी देखा रहेगा यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो रेगुलर स्कूल है उनका फीस तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उससे बहुत कम, क्योंकि हम लोग का तो एनजीओ और ट्रस्ट है, उनके साथ हम लोग का टाई अप है, तो हम लोग कम से कम फी लेके यहाँ पे बच्चे लोग को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग के जो स्टाफ है ये ECCA BEd ऐसे हम लोग के एजुकेशनल स्टाफ है और मेरा खुद का क्वालिफिकेशन है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद BEd भी है और मुझे इस फील्ड में 15 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है स्कूल वगैरह चलाने का। तो वही है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रहने वाले जो एरिया के लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लेकर आओ, संपर्क करो, हम लोग हमारा 100% देंगे। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तभी भी दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है, हम लोग 100% हमारा देके आपके बच्चे का जो एम है, आपके बच्चे का जो उद्दिष्ट है उसको सफल करने में हम हमारा 110%